आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का, पुलिस को बदनाम या मोमिनों का इंतजार। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल 11 मुहर्रम उल हराम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई, जिसको रंग दिया गया कि साहिवाल की पुलिस ने मजलिस पर हमला किया है, जबकि हकीकत ये नहीं है। दो ग्रुपों में झड़प के बाद पुलिस सरवर चौक के नज़दीक नाका लगाकर खड़ी हुई थी। शिराजी फैमिली के अफराद गाड़ी में डीजल डलवा रहे थे, पुलिस को देखकर उन्होंने गाड़ी भगा ली और घर में आकर छुप गए। पुलिस ने रेड करके अपने फर्ज का मुजाहिरा करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोशल मीडिया पर साहिवाल के फर्ज शनास अफसराने बाला को बदनाम करने के लिए तहरीक चलाई जा रही है और उसको मजहबी रंग देकर इंतशार की तरफ लेकर जाया जा रहा है। जबकि घर में मजलिस चल रही थी, पुलिस ने मजलिस पर रेड की है और मोमिन भाइयों को इंतशार के लिए उकसाया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं राणा सुहेल इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहयोग जोगी चौक में अमाम बारगाह कसरे बतूल के सामने खड़ा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बात करनी चाह रहा था, एक तहकीक है कि न्यूज़ इंटरनेशनल की, उसमें दो फैमिली का तनाज़ा है, जमीन का तनाज़ा है, जो कि राबी टूल प्लाजा को तो शाना का है। उसमें राना फैमिली और शराजी फैमिली का ये आपस में एक तनाज़ा है। उस तनाज़े के मद्देनजर 10 मुहर्रम उल हराम को एक वीडियो जो कि शेयर की गई, जिसमें पुलिस ने एक जगह पर रेड किया, एक घर में दाखिल हुई। उसमें उनको लोगों का कहना था कि पुलिस मजलिस हो रही थी, उसमें पुलिस ने आके इंटरफेयर किया। लेकिन जहाँ के हमने तहकीकात किया, जहाँ के मतवली रजा हमदानी उर्फ जारे शाह से, उन्होंने बताया कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं थी, वहाँ पर कोई मजलिस नहीं हो रही थी। इसमें ये आपस में मोमिन के दरमियान इंतजार पलाने की कोशिश की जा रही है, आला अफसरान पुलिस के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।